Hello student, in this video we are going to learn math of class 3, lesson number 14th. Name of the lesson is rupees and paise. In this video we are going to learn about the subtraction of the money. This is the part 3rd video. All of you watch this video with full concentration, like it, share it and don't forget to subscribe the channel. First example is rupees 47.15 minus rupees 7.50. Student, here you can put the zero, so there is no confusion at all. यहाँ पर zero लिखना जरूरी है बच्चों, ताकि कोई confusion नहीं होगा. ये आपका first example है. Minus करना है, 5 minus 0, 5. 1 minus 5, not possible. है ही नहीं. इसको हम कैरी लेंगे और इसको करेंगे 11. अब 11 माइनस 5 6 आता है. पॉइंट के लिए पॉइंट देना है, ये 7 की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ कैरी लिया था. फिर 7 का होगा 16, क्योंकि 7 से 7 माइनस नहीं हो सकता. 16 माइनस 7 आंसर आ जाएगा 9. इसे कट करके होगा 3 माइनस 0 3 सो आंसर इज 39.65. कम टू द एग्जांपल नंबर 2. हियर 5 माइनस 0 इज 5. नेक्स्ट वन 9 माइनस 5 इज 4. देन पॉइंट, देन 9 माइनस 5 अगेन देर इज अ 4 एंड 3 माइनस 1 इट इज 2. सो आंसर इज 24.45. कम टू एग्जाम्पल नंबर 3. 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ पॉइंट देना है. 3 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो 3 को हम करते हैं 13, 10 हमने कैरी ले लिया. देन 13 माइनस 9 इट इज 4, 6 का हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 इट इज 3 एंड सो द आंसर इज 13.10. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. 0 कट करके हम क्या करेंगे, 10. देन 10 माइनस 5 5, देन पॉइंट. अब इसे कट करके पहले होगा 10 एंड उसे कट करके होगा 9. 9 माइनस 9 0, यहाँ 0 होगा, 2 माइनस 0 2. फाइनल आंसर इज 20.50. बच्चों ये दो आपके लिए होमवर्क दिए हैं, दोनों होमवर्क का आंसर क्वेश्चन के साथ आप कमेंट्स में लिखोगे. कम से कम अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो आंसर ऑफ ए एंड आंसर ऑफ बी ऐसा लिखिए, ताकि थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाए आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं. कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जो भी आंसर है, गलत है सही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा. तो बच्चों इस तरह से मनी का सब्ट्रैक्शन हम बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी मिलेगी.